Azar. Water, please. आपने मुझे बताया नहीं कि अंजी कैसी लगी आपको? यार शफाक तौबा अल्लाह, उसका बच्चा, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा बच्चा ना दे। यार वो इंसान का बच्चा कम और जिनका बच्चा ज्यादा लग रहा था, आवाज भी वही और रूप भी वही। आज़र कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतना मासूम सा बच्चा है वो। तो मैंने कब कहा मासूम नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो इंसान का बच्चा नहीं लगता। वेरी फनी, मैं अंजी के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। हाँ वो अच्छी है पर तुमसे काफी मुख्तलिफ। अब प्लीज मुझसे डिटेल्स मत पूछना, वापसी आके तुम्हारी दोस्त और उसके बेटे की शान में पूरा कसीदा कह दूंगा। ओके आज़र प्लीज नाश्ता तो कर ले। नाश्ता कर लिया। ओके बाय बाय, I love you. शफक की बच्ची कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रही हूँ? I'm so sorry, मैं किचन में काम कर रही थी, फोन ऊपर रखा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है? जब से तुम्हारे घर से आई हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। अच्छा? हाँ। क्यों? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? और तुम्हारे मियाँ साहब? उन्हें कैसा लगा? भी अच्छा लगा मेरे आना। अब देखो ना, अगर आज़र को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम दोनों कैसे मिल पाएंगी? तुम इतनी अच्छी हो अंजी, कोई तुमसे मिलकर तुम्हारी तारीफ ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा नहीं, तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए ऐसा सोच रही हो। नहीं भाई, आज़र से अभी तुम्हारे बारे में बात ही नहीं हुई, होगी तो देखना वो भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। आज़र से अभी मेरे बारे में बात ही नहीं हुई? हाँ हाँ, वो तुम्हारे यहाँ से आके वो फौरन सो गए थे और सुबह ऑफिस की जल्दी थी, हमें टाइम ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन तुम बताओ, तुमने आफ्ताब भाई को मेरे बारे में बताया, क्या कहा उन्होंने? हेलो अंजी। हाँ हाँ शफक, बोलो क्या कह रही थी, सुन रही हूँ मैं। मैं पूछ रही हूँ, तुमने बताया आफ्ताब भाई को मेरे बारे में, क्या कहा उन्होंने? अच्छा हुआ जो आफ्ताब रात को घर देर से आए थे, वरना आफ्ताब को तुमसे और आज़र साहब से मिलवाना। शफक तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें आज़र जैसा शौहर मिला, वरना आफ्ताब, आफ्ताब तो उन मर्दों में से जिन्हें अपनी बीवी की सहेलियों, उसके रिश्तेदारों से मिलना अपनी शान के खिलाफ लगता है। अगर आफ्ताब घर पे होते तो यकीनन तुम और तुम्हारे हस्बैंड के सामने मुझे शर्मिंदा ही होना पड़ता। क्या मतलब है अंजी, तुम आफ्ताब भाई के साथ खुश नहीं हो क्या? मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि तुम उनके साथ बहुत खुश हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी जैसी बंदी की केयर नहीं की उन्होंने। शफक अब हर कोई तुम्हारी तरह खुश नसीब नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बात करूं, किस तरह तसल्ली दूं। मेरी छोड़ो शफक, तुम अपनी सुनाओ। अरे ये बताओ, रात जो मैंने कबाब बनाए थे वो कैसे लगे तुम्हें? बहुत अच्छे थे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कुकिंग भी आती है। लेकिन अंजी अगर आइंदा मैं तुम्हारे घर आऊँ ना तो प्लीज खाने का तकल्लुफ मत करना, सारा दिन किचन में मत घुसी रहना। पता है तुम्हारे घर में जो भी होगा मैं वही शौक से खा लूंगी, अगर तुम चाय भी पिलाओगी ना वो भी खुशी से पी लूंगी। मामा ये ले।
शफक मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें तमीज नहीं है बंटू? ये कोई तरीका होता है? अंजुम, क्या बात है भाई, आजकल बहुत देर से आने लगे हो, क्या कर रहे हो आजकल? देखो घर की गाड़ी इस तरह नहीं चलती, तुम लोगों की आसाइशें पूरी करने के लिए ना बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा कहाँ है वो आसाइश फिर, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? शुक्र करो कि हम हजारों से बेहतर हैं अंजुम। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह घर से नाश्ता करके जो निकला हो ना उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया सारा दिन। बताओ क्या बना है? मैं मुझे नहीं पता। बुआ, बुआ। जी बेगम साहिबा। खाने में क्या पकाया? काली दाल बनाई है। जो लगा दो खाना। जी जी। अंजुम आज भी दाल बनी, कल भी दाल बनी थी। यही रोने तो मेरे भी हैं। आफ्ताब मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, शॉपिंग करनी है मैंने। अच्छा कितने पैसे चाहिए? यही कोई बस 10-15 हजार दे दो। 10-15 हजार? इतने पैसों का क्या करोगी तुम? आफ्ताब ये तुम्हारी कुरेदने वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या शॉपिंग ही करनी है ना मैंने, और क्या करना है? देखो अंजुम मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 10-15 हजार रुपए का क्या करोगी तुम, क्या जरूरत पड़ गई है इतनी बड़ी रकम की? बड़ी रकम? ये 10-15 हजार की मामूली सी रकम भी तुम्हें बड़ी रकम लगती है? और फिर कहते हो कि खुदा का शुक्र अदा किया करो कि मेरा शौहर मेरी आसाइशें पूरी करने के लिए दिन रात पापड़ बेलता रहता है। देखो आफ्ताब मुझे पैसे चाहिए कल, कुछ भी करो कहीं से भी लाकर दो, मुझे बस पैसे चाहिए। सारा दिन तुम्हारा घर तुम्हारे बच्चे सब कुछ मैं देखती रहती हूँ और मुझे तुम इतने से पैसे भी नहीं दे सकते? अच्छा देखो मैंने मना नहीं किया, ले लेना ठीक है। जब दे नहीं होते तो इतनी बातें मत सुनाया करो। बेचारी अंजी अपने शौहर की वजह से क्या क्या बर्दाश्त कर रही है। अंजी ओ हाँ तुम्हारी वो फ्रेंड, क्या हुआ उसे? उसे देख के लगता है कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल है, उसकी जिंदगी का एक एक सेकेंड उसके लिए आजमाइश है। उसका हस्बैंड बहुत बेहिस इंसान है। बस भी करो यार, अपनी दोस्त की मोहब्बत में क्यों बेचारे को विलन बना रही हूँ? आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मुझे भी नहीं आया था क्योंकि उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। सारी प्रॉब्लम्स वो अकेले ही फेस करती रही, किसी को भी नहीं बताया। अच्छा तो फिर तुम्हें कैसे लाम हुआ? मेरी बात और है आज़र, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे हर बात शेयर करती है, मुझे सब बताती है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, अपनी शौहर की बुराइयाँ तुमसे करती है, तुम मुझसे कर रही हो, मैं किसी और से कर दूंगा? सही पर्दा डाले अपने शौहर पर। क्या मतलब है आपका? मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि आप मजाक उड़ाएं उसका। हर मर्द एक जैसा होता है, सेल्फिश। कम ऑन शफक, अब तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? कहां ले जा रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि आप में और आफ्ताब भाई में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों एक जैसे। शफक अब तुम बात को फजूल में आगे बढ़ा रही। मैं ऑफिस से थका आ रहा था सुकून करने के लिए, कुछ बातें अपनी करने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, और तुम दूसरों की बातें लेके बैठ गई हो,
और वो भी अगर गलत अंदाज में सुनाओगी तो मुझे गुस्सा आएगा ना। कम ऑन यार, ये हमारी लाइफ है, हम अपनी कोई प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर सकते क्या? प्लीज तुम दूसरों की बातें मुझसे मत किया करो। दूसरे? अंजी मेरे लिए दूसरे नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, बहनों की तरह मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। अगर उसे तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी आज़र। होगी तो अपने तक महदूद रखो, मुझे बीच में मत घसीटो। ओके लड़की।